जैसा कि इसके पहले आपने देखा था कि जस्ट मीन्स होता है अभी अभी, एज अ एडवर्ब यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, और ये भी एज अ एडवर्ब ही यूज होगा, है ना। यहाँ पर हम लोग एज अ एडवर्ब इसका यूज सीखने वाले हैं, और बिफोर का मतलब होता है पहले, ये भी एज अ। अब इस बार इन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, देखिए दोनों में अंतर है। ऑलरेडी का मतलब पहले ही, और बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। ऑलरेडी का मतलब पहले ही, जैसे मैं कहूं मैं पहले ही अंग्रेजी सीख चुका हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं मैं पहले ही अंग्रेजी सीख चुका हूं, तो देखो यहां क्या कहा जा रहा है, आई, और यहां टेंस कौन सा है बच्चा, यहां टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव, और यहां सीखना की इंग्लिश लर्न, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी तो क्या लगा दीजिए, ईडी लगा दीजिए, या एल ई ए आर एन के बाद आप टी लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म हो गया, डन है ना। आई हैव लर्न और इंग्लिश है, तो यहां पर क्या कर दो, इंग्लिश और पहले ही। अब यहां पर ये पोजीशन समझो कहां पर यूज होगा, तो हेल्पिंग वर्क के बाद, मतलब मेन वर्क के पहले, तो यहां आई हैव ऑलरेडी, डन है ना। इतना क्लियर हुआ, मतलब ऑलरेडी का यूज आपको किसके पहले करना है, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में करना। लेकिन अगर पहले का संसाधन, जैसे हम कह दें क्या तुम मुझसे पहले मिले हो, अगर कह दिया जाए क्या तुम मुझसे पहले मिल चुके हो या पहले मिले हो, जो आप कहना चाहो कह सकते हैं, मिल चुके हो या मिले हो। अब यहां पर ध्यान देना, अब यहां पहले ही का सेंस नहीं है, पहले का सेंस है ना, तो यहां पर आप क्या बनाओगे, पहले मिल चुके हो, यानी कि हैव यू, है ना, और मिलना की इंग्लिश मेट, ऐसे फॉर्म से चलते हैं, तो हैव यू मेट, है ना, और मुझसे, अब ध्यान देना, have you met, फिर मुझसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, me, have you met me, और यहाँ before, यानी कि before का यूज सेंटेंस के लास्ट में करना, ध्यान देना, before यहाँ पर एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है, इसलिए before का यूज सेंटेंस के लास्ट में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो दोनों में समझ में आया, जैसे मैं पहले ही अंग्रेजी सीख चुका हूं या सीख लिया हूं, आई हैव ऑलरेडी लर्न्ड इंग्लिश, है ना, यहां पर ऑलरेडी को हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है, ठीक है बच्चा। लेकिन अगर आ जाए क्या तुम मुझसे पहले मिल चुके हो, तो यहां पर अगर पहले का सेंस आए, है ना, देखो पहले और पहले ही दोनों में अंतर, पहले और पहले ही दोनों में अंतर है, सेंस भी अंतर, जैसे पहले ही और पहले, पहले का मतलब ऑलरेडी काम हो गया है ना, तो अगर पहले हो तो उसकी इंग्लिश बिफोर होती, बिफोर को सेंटेंस के लास्ट में करना। चलिए एक करके दिखाइए, एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा, एक सेंटेंस लिखिए, मैंने पहले ये गाना सुना है, मैंने पहले ही, या पहले पहले ही नहीं, मैंने पहले ये गाना सुना है, मैंने पहले ये गाना सुना है, और एक सेंटेंस और लिखो, सरकार लोगों को पहले ही चेतावनी दे चुकी है, सरकार लोगों को पहले ही चेतावनी दे चुकी है, सरकार लोगों को पहले ही चेतावनी दे चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस यहां पर क्या है, बोलिए पहला सेंटेंस क्या है, मैंने पहले ही गाना सुना है, पहले गाना सुना है, सॉरी पहले के साथ ही नहीं रहेगा ना, मैंने पहले गाना सुना है, यानी कि आई हैव संग द सॉन्ग बिफोर, है ना, पहले बिफोर। दूसरा आपने कहा सरकार लोगों को पहले ही चेतावनी दे चुकी है, मतलब द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी, अब यहां ऑलरेडी का यूज हुआ, एडवांस में वो काम कर चुकी है, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी
वार्न, ध्यान दीजिएगा, वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, धमकी देना, इसका थर्ड फॉर्म लगेगा तो क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी वार्न्ड द पीपल, है ना, लोगों को, समझ में आया। एक और करिए, क्या तुमने पहले अंग्रेजी सीखी है, आई होप साउंड क्लियर है ना सबको, क्या तुमने पहले अंग्रेजी सीखी है, वॉइस क्लियर है ना, ठीक, क्या तुमने पहले अंग्रेजी सीखी है। अब यहाँ पहले, तो पहले के लिए क्या लगाओगे, बिफोर, बिफोर को कहाँ रखोगे, सेंटेंस के लास्ट में, है ना, बिफोर को सेंटेंस के लास्ट में। अगला देखिए, हम पहले ही मैच जीत चुके हैं, हम पहले ही मैच जीत चुके हैं। तो जीतना की इंग्लिश बिन होता है, बिन गॉन वॉन, डब्ल्यू आई एन, बिन। अगला लिखिएगा, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, है ना, कहीं की इंग्लिश होती है समवेयर। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। अगला लिखिए, क्या तुमने पहले ही सारे भेद खोल दिए हैं। तो देखो, सारे भेद खोलना की इंग्लिश होती है डिस्क्लोज, ध्यान देना, डिस्क्लोज ऑल सीक्रेट्स, डन है ना, डिस्क्लोज का मतलब होता है भेद खोलना, है ना, तो डिस्क्लोज ऑल सीक्रेट्स का मतलब होता है भेद खोलना, या एक अच्छा खासा मीनिंग है अनवेयर, है ना, अन, आप बोल सकते हैं ये वाला है अनवेल्ड ऑल सीक्रेट्स, है ना, अनवेल्ड, या आप सिंपल से याद रखो डिस्क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म के साथ बता दिया जा रहा है, डिस्क्लोज्ड ऑल सीक्रेट, दो दो मीनिंग होती, चाहे अनवेल्ड ऑल द सीक्रेट्स बोलो और चाहे आप क्या बोलो, डिस्क्लोज्ड ऑल द सीक्रेट बोलो, दोनों सही रहेगा, समझ में आया। एक और करके दिखा दीजिए, लास्ट है, हमने पहले ही उस रेस्टोरेंट में खाना खाया। एक और लिख लीजिए, मैं पहले ही उसे बता चुका हूँ, डन है ना, चलो इतना करके दिखाइए, उसे पॉज कर दीजिए बेटा।